हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन फ्लेवर्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड रोल्स। ब्रेड रोल्स हम ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं, बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। रोल्स बनाने के लिए हमें 5 से 6 आलू बॉईल करने हैं, रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे हम, ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, मटर इस्तेमाल करेंगे, अगर मटर नहीं है तो हम शिमला मिर्च बारीक बारीक काट सकते हैं, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, धनिया पाउडर लेंगे, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉइल्ड आलू को पहले हमें हाथों की मदद से मैश करना है। सारे आलूओं को इस तरीके से तोड़ते हुए हमें इसे अच्छी तरह मैश कर लेना है। अब हम एक कढ़ाई में 1 से 1.5 चमचा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और उसमें जो हमारी छिली हुई मटर है वो डाल देंगे। गरम तेल में मटर डालते ही ये फूटने लगती हैं, तो हमें इसके ऊपर प्लेट ढक देनी है और मंदी आंच करेंगे। 1 से 2 मिनट में ये तैयार हो जाएगी ऐसे फूट के। अब इसे हटा लेंगे। देखिए, चिड़चिड़ी की आवाज़ बंद हो जाने के बाद इस तरीके से हम मटर को डीप फ्राई कर लेंगे। अब इसे बाहर निकाल लीजिए। अब दोबारा हम कढ़ाई में 1 से 1.5 चमचा सरसों का तेल डालेंगे और इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। इसके बाद धनिया पाउडर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच, और जो हमने मैश आलू किए थे थोड़ा भूनने देंगे मसाले को। उसके बाद इसमें हम ये मैश्ड आलू डाल देंगे और चमचे की मदद से इसे मिलाएंगे। इसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे इसमें। गरम मसाला ऐड करेंगे। मसाले को अच्छी तरह मिला लेंगे इस तरीके से। इसके बाद जो हमने मटर भुनी थी वो हम इसमें ऐड करके मिला लेंगे और हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा। ब्रेड के पीस को हल्का सा पानी में डिप करके दोनों हाथ की मदद से इस तरह निचोड़ेंगे और इसमें 1 चम्मच पेस्ट, थोड़ा सा और ऐसे को लंबाई में रखेंगे और दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से, देखिए, इसको पहले फोल्ड करके पेस्ट को अंदर दबाएंगे और इस तरह से लंबाई में शेप देंगे। हम इसे गोल शेप में भी कर सकते हैं, बट मैं इसे लंबाई के शेप में फोल्ड कर रही हूँ। देखिए, आराम से दोनों हाथों से स्क्वीज करेंगे। ये थोड़ा साइड में अगर ब्रेड का पीस आ रहा है तो उसे हटा देंगे। मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ। ब्रेड को डिप किया, दोनों हाथों की मदद से पानी निकाला, 1 से 1.5 चम्मच इसमें हमने पेस्ट इस तरीके से लंबाई में ही रखा और हाथ में दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से रखकर इसे फोल्ड करेंगे, पेस्ट को अंदर दबाएंगे, दोनों हाथों से इस तरीके से, देखिए, लंबाई में शेप देंगे ब्रेड पकौड़े को। बहुत आराम से और ये बहुत इजी है। इस तरीके से हम अपने ब्रेड रोल्स तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम होने देंगे। इसके बाद इसमें हम अपने तैयार ब्रेड रोल्स डीप फ्राई करेंगे। चमचे की या करछी की मदद से इनको हल्का हल्का इस तरीके से हिलाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में पलटेंगे। देखिए, इस तरीके से सुनहरा रंग होने देंगे।
हमारे ब्रेड रोल निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए, बिल्कुल सही कलर ब्रेड रोल का, हल्का सुनहरा, और काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं ये डीप फ्राई होने के बाद। आराम से करछी की मदद से इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, हमारे ब्रेड पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। आप ब्रेड पकौड़े को हरी चटनी या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। हरी चटनी की रेसिपी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।